नमस्कार दोस्तों, आप खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार फिर से मैं अरविंद कुमार आप सभी का आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी में हमने संधि समास को पूरा कर लिया है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर लिंग। लिंग बहुत ही सरल और कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ही दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चनों को कर दोगे। बस छोटी सी एक क्लास बनेगी, इसको बड़े ही ध्यान से देख लेना। लेकिन आप फंसोगे कहां पर, आपके नंबर कटने के चांसेस कहां पर रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके अपवादों में। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसके अपवादों को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे ना बनकर आजकल एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपके अपवादों से पूछता है। इसलिए अपवादों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है तो उनको एक साइड में किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा एज ए नोट्स के रूप में, जिससे आप परीक्षा देने जाओ तो उससे पहले उन अपवादों को एक बार रिवाइज करके जाएं, जिससे आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएं और आप एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा बेस्ट स्कोर अचीव कर पाए, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूं। चलो देखते हैं लिंग की क्लास को। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हिंदी भाषा में, आपकी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा को छोड़ दिया जाए, अगर हिंदी भाषा हम लगाएं तो मुख्य प्रकार से दो प्रकार के लिंग होते हैं। वह कौन कौन से लिंग होते हैं दोस्तों? वह होते हैं आपके पुल्लिंग, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। तो दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी भाषा में लिंगों को कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकार में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग होता है यह पुरुष का पुरुष होने का बोध कराता है, पुल्लिंग होता है यह पुरुष होने का बोध कराता है, और जबकि यह जो स्त्रीलिंग होता है यह स्त्री होने का बोध कराता है। यह कोई जरूरी नहीं मेरे दोस्त कि यह सजीव ही हो या निर्जीव भी हो सकते हैं, ये निर्जीव क्या आदृश्य भी हो सकते हैं। बस आपको भाव को पहचानना है कि वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध करा रहा है, आपको बस भाव को देखना है। अगर मैं कहूं राम, तो आपको पता है राम एक इंसान है, एक पुरुष है, तो वह पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मैं कहूं सीता, तो आपको पता है सीता एक स्त्री, स्त्री शब्द का बोध कराती है, एक स्त्री का बोध कराती है, इसलिए यह है स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं हाथी, अगर मैं कहूं हाथी, तो आपको पता है हाथी एक पुरुष का बोध करा रहा है, इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं हथिनी, हथिनी, तो आपको पता है यह एक स्त्री का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करें, उनके कंसेप्ट को कैसे समझें, इसलिए ही तो यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप कैसे समझोगे उसके बारे में मैं बताता हूं। तो आगे देखिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप किस हिसाब से समझोगे। अगर आपसे कोई थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कैसे करोगे, उसके बारे में ही तो इस क्लास में जानना है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं लिखूंगा पुल्लिंग कि किस प्रकार के शब्द अगर आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि यह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। यहां पर मैं लिखूंगा आपके स्त्रीलिंग, तो उनकी पहचान क्या है? तो दोस्तों इनकी पहचान क्या है उनको हम देखेंगे। देखिए अगर मैं पुल्लिंग कहूं तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले लिंग की पहचान अगर करनी है तो तीन शब्दों से करना। पहला सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम में क्या है दोस्तों? मेरा या मेरी का प्रयोग होगा। अगर मेरा प्रयोग हो तो आप समझ लेना पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अगर मेरी शब्द का प्रयोग हुआ तो आप समझ लेना स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप आसानी से पहचान। दूसरा आप प्रयोग करना विशेषण का, दूसरा आप प्रयोग करना विशेषण का। विशेषण का मतलब आप अच्छे हो या अच्छी हो। अगर अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है तो मान लीजिएगा यह पुल्लिंग है, अगर अच्छी शब्द का बोध हुआ है तो ये मान लीजिएगा यह स्त्रीलिंग है। तीसरी जो पहचान होगी दोस्तों वह क्रिया के रूप में होगी, क्रिया के रूप में होगी। अगर काम किया जा रहा है, अगर कोई भी क्रिया की जा रही है तो वह स्त्रीलिंग होगी, अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो वह आपका पुल्लिंग होगा। तो
आपको सर्वनाम विशेषण और क्रिया के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में फर्क साफ साफ नजर आ गया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद रखता हूं चाहे कुछ भी जिंदगी में चाहे कुछ भी गलत हो जाए, लेकिन लिंग का जो क्वेश्चन होगा वो जिंदगी में भी आपके हाथों से गलत नहीं होगा। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ही गौर से देखना, बड़े ही ध्यान लगाकर देखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। तो देखना, अगर कोई भी धातु का नाम आ जाए, अगर कोई भी धातु का नाम आ जाए तो वह हमेशा पुल्लिंग होगा दोस्तों। अगर मैं लोहा कह दूं तो पुल्लिंग होगा, अगर मैं एल्यूमिनियम कह दूं तो पुल्लिंग होगा, क्या मैं स्टील कह दूं वह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। वो आप कहोगे भैया जी स्टील तो स्त्रीलिंग है, तो वो भी तो धातु है, तो वह पुल्लिंग क्यों नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कुछ अपवादों को याद रखना, और अपवादों को पढ़ेंगे कल की क्लास में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी कल की जो आपकी लिंग की क्लास होगी। अपवादों को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, आज आप साधारण पहले ट्रिक को पढ़ लीजिए जिससे कल की क्लास और बेहतरीन तरीके से आपको समझ आए। तो देखिएगा, अगर कोई भी धातु का नाम आ जाए तो वह क्या होगा, वह पुल्लिंग शब्द होगा। अगर कोई वर्ण का नाम आ जाए आ आ ई ई, आप कहोगे आ आ तो ठीक, का खा गा गा घा डा 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 इना या, कुछ भी ठीक, सब पुल्लिंग है। लेकिन आप कहोगे छोटी ई और बड़ी ई और री, ये तो भैया जी स्त्रीलिंग है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कुछ अपवाद भी होंगे, उन अपवादों को याद रखना है, वो कल की क्लास में देखिए। अगर कोई वर्ण आ जाए तो वह आपका पुल्लिंग होगा। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि छोटा आ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप बता दोगे सीधे सीधे कोई भी वर्ण आ जाए ई और ई और री को छोड़कर सब पुल्लिंग होंगे, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कोई भी पर्वत का नाम आ जाए, हिमालय पर्वत, आपसे कोई भी पर्वत का नाम पूछ ले, सतपुड़ा पर्वत, आपसे कुछ भी पूछ ले, विंध्याचल पर्वत, सब क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे पुल्लिंग। अगर आपसे पूछ ले कोई भी देश का नाम, मैं कहूं भारत देश, तो भारत देश क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, भारत देश एक पुल्लिंग शब्द है। अगर कोई भी देश का नाम आ जाए तो वह आपका पुल्लिंग होगा। लेकिन आप क्या कहोगे, कुछ भैया जी कुछ, जैसे मैं आर्ट्रिया कह दूं, आर्ट्रिया कह दूं तो वह स्त्रीलिंग देश है, तो कुछ जो अपवाद हैं वो कल की क्लास में देखेंगे मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, अगर कोई भी धातु, कोई भी वर्ण, कोई भी पर्वत और कोई भी देश का नाम आ जाए तो वह हमेशा पुल्लिंग होगा। अगर कोई भी अनाज का नाम आ जाए, मैं गेहूं खाता हूं, मैं धान खाता हूं, मैं चावल खाता हूं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपके पुल्लिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी, अगर जैसे कि मूंग की दाल अगर यह आ जाए, अगर उड़द की दाल, तो ये देखिएगा कुछ अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग में पहुंच जाएंगे, वो आगे देखिएगा। तो अनाज जो भी आ जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। अगर महीनों के नाम आ गए, अगर हिंदी महीनों के नाम, देखिए इंग्लिश महीनों के नाम की बात नहीं हो रही है, आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो हिंदी के महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, सावन, तो ये सब क्या है, ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। जितने भी हिंदी के महीने के नाम होंगे सब आपके पुरुष होने का बोध कराते हैं, इसलिए वह आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे देखिए, कोई भी दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, कोई भी शुक्रवार, शनिवार, इतवार, अगर कोई भी, अगर आपका दिन का नाम आ जाए, कोई भी बार का नाम आ जाए, तो वह क्या होगा दोस्तों, वह आपका पुल्लिंग होगा। अगर कोई भी जल स्थल का नाम आ जाए, जल स्थल का नाम आ जाए, जैसे मैं कह दूं हरिद्वार, तो आपका क्या होगा, कोई भी जल स्थल आ जाए तो वह आपका पुरुष होने का बोध कराता है और वह आपका पुल्लिंग होगा। अगर कोई भी विभाग का नाम आ जाए, विभाग का मतलब कोई भी विभाग, अगर आपसे आप कहने लगे मार्केटिंग विभाग, कोई सेल्स विभाग, अगर कोई भी विभाग का नाम आ जाए, कर्मचारी विभाग, खोया पाया विभाग, कोई भी विभाग, अगर आपके सामने कोई भी विभाग का नाम आ जाए तो वह पुल्लिंग होने का बोध कराता है, इसलिए वह पुल्लिंग लिंग कहलाएगा। अगर आपसे मैं और क्या कहूं, अगर ग्रह नक्षत्र आ जाए,
ग्रह नक्षत्र आ जाए, ग्रह नक्षत्र क्या, शुक्र शनि जुपिटर मरकरी वीनस अर्थ मार्स ये सब जो भी आ जाए यह सब आपके क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों पृथ्वी का, पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग कहलाएगी। तो अपवादों को जरूर याद रखना, एग्जामिनर पूरे ग्रह नक्षत्र से कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर आपने केवल यह ध्यान दिया ग्रह नक्षत्र पर तो आप गलत कर दोगे, लेकिन आपने अपवाद पर ध्यान दे लिया दोस्तों तो जिंदगी में चाहे सब कुछ गलत हो जाए लेकिन आप पृथ्वी का लिंग गलत नहीं कर पाओगे, यह गारंटी देता हूं। और क्या दोस्तों, अगर कोई भी पेड़ों का नाम आ जाए, हमेशा पेड़ों के नाम क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होने का बोध कराएंगे, पुरुष होने का बोध कराएंगे, इसलिए वह पुल्लिंग कहलाएंगे। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को याद कर लीजिएगा, अगर इनसे रिलेटेड लाखों हजारों करोड़ों शब्द आपके सामने आए तो आप आसानी से इन 8-10 जो भी शब्द मैंने लिखे हैं इनकी पहचान से आप चुटकी वजह से ही उसको देखते देखते पढ़ते समय ही सॉल्व कर दोगे और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करोगे। अब स्त्रीलिंग पर आते हैं दोस्तों, अगर कोई भी नदियां आपके सामने आ जाए, लेकिन नदियों में भी कुछ अपवाद है दोस्तों, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे आपकी सिंधु नदी, ये आपकी पुल्लिंग कहलाती है, बाकी सब नदियां आपकी स्त्रीलिंग कहलाती है। अपवादों को भी लिखाऊंगा दोस्तों, आप टेंशन ना लो। आगे अगर कोई भी तिथि का नाम आ जाए, जैसे 12 तिथि, 12 आज कितनी तारीख है, अगर कोई भी तारीख का नाम आ जाए, अगर आज तारीख है आपकी 1 तो वे मान लीजिएगा वे किसका बोध करा रही है, वे स्त्री होने का बोध करा रही है। अगर कोई भी तिथि आ जाए, अगर तिथियां आ जाएं, अगर नदियां आए और तिथियां आए तो क्या होंगी, आपकी स्त्रीलिंग होंगी दोस्तों। अगर कोई भी भाषा आ जाए जैसे कि हिंदी भाषा, तो आप क्या करोगे, उनको स्त्रीलिंग कहोगे। अगर कोई भी लिपि आ जाए, भाषा से रिलेटेड अगर कोई भी लिपि आ जाए जैसे देवनागरी लिपि, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्त्रीलिंग कहलाएगी। कोई भी बोली, खड़ी बोली हो या ब्रज की बोली हो, कोई भी बोली आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्त्रीलिंग कहलाएगी दोस्तों। लेकिन और देखना, अगर कोई भी ऋतु का नाम आ जाए, अगर कोई भी ऋतु का नाम आ जाए दोस्तों, तो वह ऋतु भी क्या कहलाएगी, आपकी स्त्रीलिंग कहलाएगी। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि हिंदी महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम अलग अलग होते हैं, इनको मैच मत कर देना। लेकिन जो सावन की जो ऋतु है उसको याद रखना दोस्तों, वह आपकी पुल्लिंग में आती है। कुछ अपवादों को याद रखना, मैं अपवाद अगली क्लास में कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी दोस्तों क्लास, इन सबको याद रखना। जो अपवाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे इनको एक कॉपी में लिख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे 1 नंबर की क्लास है, आपका 1 नंबर आपके स्कोर में जुड़वाने वाली क्लास है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार इन शब्दों को जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे आपके नंबर नहीं कट पाए। अब जो लिंग की जो आगे की जो क्लास होगी उसमें अपवादों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। मिलते हैं लिंग की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।